हेलो दोस्तों मैंने निकिता वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस विद निकिता में दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे योगासन शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइज शेयर करने जा रही हूँ जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हो जी हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हो और जिसे करके आप अपनी ब्लोटिंग की समस्या को अपने डाइजेशन की प्रॉब्लम को जैसे आपको पेट में ऐठन रहती है बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो जाती है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है आपको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है इन सारी प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हो इन योगासन इन एक्सरसाइजेस को करके वैसे तो कहा गया है कि कभी भी हमें खाना खाने के बाद कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए लेकिन दोस्तों हमारे योग में हमारी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताई गई हैं कि ऐसे योगासन बताए गए हैं जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं और इन सारी बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं उन की तरफ उससे पहले आपको क्या करना है आपको पता ही होगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिख रहे बेलकन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और और, और अगर आप मेरी ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो without wasting any time, let's get started. तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको सुख आसन में बैठना है जिसे हम इजी पोज भी बोलते हैं इस तरीके से हमें बैठना है क्रॉस लेग करके आप चाहो तो पैर के ऊपर पैर इस तरीके से रख के भी बैठ सकते हो और चाहो तो आप इस तरीके से भी बैठ सकते हो जिस तरीके से आप बैठना चाहो उस तरीके से आप लेग्स को क्रॉस करके बैठ सकते हो अगर आप इस तरीके से बैठ के खाना खाते हो तो आपका जो खाना है वो अच्छे से आपके पेट में जाता है और जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है साथ ही साथ अगर आपको प्रॉब्लम है कि आप इस तरीके से लेग क्रॉस करके नहीं बैठ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप पैर को सामने की तरफ फैला के इस तरीके से भी आप बैठ सकते हो आपको पर ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद आपको 10 मिनट कम से कम 5 से 10 मिनट इस पोजीशन में बैठना है या फिर अगर आप क्रॉस लेग करके बैठे हो तो इसमें भी आपको 5 से 10 मिनट जरूर बैठना है और उसके बाद आपको ठहलना है यानी कि आपको घूमना है इससे क्या होगा आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे आप फील करोगे कि आपकी जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है तो आप इसे खाना खाने के बाद कभी भी कर सकते हो कुछ करना ही नहीं है सिर्फ बैठना ही है तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट योगा आसन है हमारा मलासन इसमें आपको क्या करना है आपको इस तरीके से अपने पैरों को रखना है और अपनी एड़ियों को नीचे की तरफ टिकाना है रखना है अपने फुट को डायगनली बाहर और अपने हाथों को इस तरीके से आपको ज्वाइन करके लाइक दिस बैठना है अगर आपके पैर जो एड़िया हैं, वो मैट पर टच नहीं हो रही लाइक like आप इस तरीके से इस तरीके से उठ के बैठे हो तो आपको क्या करना है आपको अपनी एड़ियों के नीचे आप यहाँ पे पिल्लो रख सकते हो टावल रख सकते हो कोई ब्लैंकेट है तो आप उसका यूज कर सकते हो और अपनी एड़ियों के नीचे अपनी हील के नीचे रख के एक अच्छा सपोर्ट बना के और आप इस तरीके से पांच से दस मिनट आप इसमें भी बैठिए आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी तो आप इस तरीके से बैठिए इसमें टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री ट्यू वन रिलैक्स बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ जो है हमारा सुप्त बद्ध आसन. तो इसमें आपको क्या करना है आपको लेट जाना है आप देखेंगे कि मैंने अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है अपने जो पैरों के जो तलवे हैं उनको आपस में मिलाना है लाइक like दिस और अपने पैरों को इस तरीके से नीचे रखना है आपके हाथ आप चाहो तो अपने सर के नीचे रख सकते हो लाइक like दिस और या फिर आप अपने हाथों को अपने थाई के ऊपर रखिए और हल्का हल्का नीचे की तरफ प्रेशर दीजिए आपको इसमें कम से कम पांच से दस मिनट इस आसन में लेटना है आप चाहो तो आंखें बंद रख सकते हो और अपनी गर्दन को हल्का सा उठा के भी आप रख सकते हो इस तरीके से आप होल्ड करेंगे यहाँ पे पांच से दस मिनट तक आपकी जो सांसें हैं वो नॉर्मल रहेंगी नॉर्मल ब्रीदिंग चैन इन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री ट्यू वन इससे क्या होगा आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपके जो फेफड़े हैं उसमें आपका जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा क्योंकि इसमें आपकी जो बॉडी है वो ऊपर से स्ट्रेच हो रही है आपकी चेस्ट ओपन हो रही है तो आपका जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो भी बहुत अच्छा होगा जो आपके डाइजेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा तो इसको जैसा मैंने कहा है सभी को आपको पांच से दस मिनट तक करना ही करना है बट नेक्स्ट आसन की तरफ जो है हमारा गौमुख आसन जिसे हम काउ फेस पोज भी बोलते हैं तो आपको क्या करना है अपने एक पैर को इस तरीके से दूसरे पैर को इस तरीके से रखना है लाइक दिस ध्यान रखिए आपका जो नीचे वाला घुटना है उसी का ऊपर वाले दूसरा पैर का घुटना भी उसी तरीके से आएगा एक के ऊपर एक अब जो पैर आपका ऊपर है उस वाले हाथ को आपको ऊपर लेके जाना है और दूसरे हाथ को पीछे से और दोनों हाथ को पकड़ने की आपको कोशिश करनी है और खींचना है अपने शरीर को अच्छे से तान देना है आप फील करोगे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेच हो रही है आपकी पूरी बॉडी जो अपर बॉडी है वो खिंच रही है यहीं पे आप टेन सेकेंड होल्ड करेंगे टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन रिलैक्स एक बार मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से अपने हाथ को पकड़ना है तो आपको क्या करना है अपने पैरों को इस तरीके से जैसा मैंने कहा जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर। इस तरीके से आपको अपने हाथों को पकड़ना है खींचना है इस तरीके से और इसी तरीके से आपको दोनों साइड से कंप्लीट करना है बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट आसन की तरफ जो है हमारा सबसे जरूरी आसन वो है हमारा वज्रासन तो आपको इसमें क्या करना होगा आप में से ज्यादातर लोग जानते भी होंगे और क्या पता करते भी होंगे तो बस आपको क्या करना है अपने दोनों पैरों को सामने फैलाना है और धीरे धीरे एक एक करके फोल्ड करना है इस तरीके से आपकी जो बैक है ध्यान रखिए वो हमेशा स्ट्रेट रहे चाहे आप कोई भी पोज कर रहे हो कोई भी आसन कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट हो आपकी बैक स्ट्रेट आपके हाथ आपके घुटने के ऊपर अपनी चेस्ट को ओपन करके शोल्डर स्ट्रेच लाइक दिस इस तरीके से बैठेंगे आपको अपनी एड़ियों के बीच में बैठना है आपके जो हिप होंगे वो एड़ियों के बीच में होंगे अगर आप एड़ी के ऊपर बैठोगे तो आपके जो पैर हैं एड़िया हैं वो दुखने लगेंगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और अगर आपसे इस तरीके से नहीं बैठा जाता तो आप अपने घुटनों के नीचे पेलो रख सकते हो टावल रख सकते हो या फिर आप अपनी एंकल के नीचे भी पेलो का यूज कर सकते हो और एक वज्रासन की स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई हुई है अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इसमें आपको 10 से 15 मिनट बैठना है ये आपके डायजेशन को डाइजेशन में काफी हेल्प करता है आपके खाने को पचाने में आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को आपकी ब्लोटिंग की जो भी आपको प्रॉब्लम खाना खाने के बाद होती है उसमें आपको रिलीफ देने वाला है यही नहीं साथ ही साथ अब अगर आप इन सारे आसनों को एक साथ परफॉर्म करते हो तो आप फील करोगे कि आपकी खाना खाने के बाद जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं उससे आपको काफी रिलीफ मिलने लगेगा काफी सारी आपको हेल्प मिलने लगेगी तो दोस्तों ये कुछ योगासन थे जिसे आपको डेली खाना खाने के बाद आप कभी भी कर सकते हो कोई आपको ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद नहीं करना तो आप इसको खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हो बस ध्यान रखना है कि आपको करना जरूर है तो आज की जो वीडियो थी वो मेरी तक थी आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करके बताना ना भूलिए अगर आपका कोई फीडबैक हो कोई सजेशन हो मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के स्टे स्टे हेल्दी बाय बाय